केशव मौर्य के दिल के बेहद करीब। केशव मौर्य और ज्ञान वापी के कनेक्शन की क्या है कहानी? क्या कभी ज्ञान वापी में गए हैं केशव प्रसाद मौर्य? क्यों शिवलिंग के मिलते ही खुशी से झूम उठे केशव प्रसाद मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल अपने ज्ञानवापी कनेक्शन को लेकर चर्चा में। सोमवार को जैसे ही ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तुरंत उनका ट्वीट आया, उन्होंने लिखा, सत्य को आप कितना ही छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। सत्य कैसे इतने पुख्ता तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने मान लिया कि वो शिवलिंग ही है, बल्कि मुस्लिम पक्ष तो इसको फव्वारा बता रहा है। क्या केशव प्रसाद मौर्य कभी ज्ञानवापी गए हैं? क्या वो ज्ञानवापी का सच जानते हैं? क्या है ज्ञानवापी का सच जिस सत्य की बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? क्या है इसकी कहानी? दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की शिवलिंग के दावों पर खुशी इसलिए छलक उठी क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, ज्ञानवापी के शिव मंदिर होने के दावे जब से शुरू हुए थे तब से उस आंदोलन का हिस्सा रही हैं केशव प्रसाद मौर्य। ज्ञानवापी की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं केशव प्रसाद मौर्य। इस बात का खुलासा केशव प्रसाद मौर्य ने तो नहीं किया, लेकिन हाँ, ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल ने किया है। वो काशी प्रांत के अध्यक्ष हुआ करते थे। 1995 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस महापरिषद का गठन किया था। उन्होंने ही बताया कि मंत्री परिषद बनाने से काफी पहले ही ज्ञानवापी की लड़ाई शुरू हो गई थी। तब विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर हम ये लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि विहिप तब भी बहुत बड़ी संस्थान थी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की तर्ज पर ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद का गठन किया गया। शिव शुक्ला ने बताया कि उन दिनों राम मंदिर को लेकर संघर्ष चल रहा था। 1980 तक वाराणसी स्टेशन और ज्ञानवापी परिसर के आसपास बोर्ड लगे थे जिन पर साफ साफ लिखा था, काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई है। इस पर धीरे धीरे लोगों ने अध्ययन शुरू किया, बात करनी शुरू की, इससे इस विषय के समाज में चर्चा बढ़ गई। फिर देवी श्रृंगार पर भी नजर पड़ी। श्रृंगार के ठीक पूरब में पुराना विश्वनाथ का मंदिर था। शिव शुक्ला कहते हैं, हमने जब श्रृंगार देवी के दर्शन करने शुरू किए तो कथित मस्जिद की दीवारों को देखने मात्र से पूरी कहानी समझ में आने लगी। तब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया ताकि सारे हिंदू इस पर चर्चा करें। शिव शुक्ला बताते हैं, हम 1977-78 में परिसर के बगल के मैदान में शाखा लगाते थे। तब हम श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करते रहते थे और कोई रोक नहीं थी, लेकिन जब हमारे बयान अखबारों में छपने लगे तो फिर इसे बंद करने का प्रशासनिक दबाव बढ़ने लगा। तब हमने नारा दिया, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। इसके बाद भी 1991-92 में श्रृंगार गौरी के आसपास जाने से रोक लगा दी गई थी। इस दौरान वीडियोग्राफी भी हुई थी, इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने करवाया था जिसके फुटेज गृह मंत्रालय के पास है। फिर केशव प्रसाद मौर्य के ज्ञानवापी से जुड़ाव की कहानी के बारे में शिव शुक्ला ने बताया। मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन दिनों श्रीराम जन्मभूमि की लड़ाई में विहिप संरक्षक अशोक सिंघल के साथ लगे थे। 1991 में वो भी ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने के लिए विहिप के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रयागराज से काशी आए। हम लोगों ने श्रृंगार गौरी के अभिषेक का ऐलान किया था। तब सौरभ चंद्र जिलाधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया था। इसमें केशव प्रसाद मौर्य का हाथ टूट गया था। बाद में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 मार्च 1992 को शिवरात्रि के मौके पर विहिप के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पिछले हिस्से में जलाभिषेक किया था। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक नाम था केशव प्रसाद मौर्य का। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद ये आंदोलन और आगे बढ़ता गया और अब देखिए सोमवार को जो सर्वे हुआ उसमें वजू को जब खाली किया गया तो इसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा करार दे रहा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तो जोर से हर हर महादेव का उद्घोष कर दिया, सत्य की जीत का उद्घोष कर दिया है। अब देखते हैं इस मामले में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद फिर कोर्ट क्या फैसला लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जो शिवलिंग के दावे किए जा रहे हैं वो सही है या मुस्लिम पक्ष के दावे सही है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।